स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं बरौनी सेक्टर 9, और नाम से आप पहचान गए होंगे कि मैं कहां पे आया हूं। मैं आज जा रहा हूं स्वर्ण जयंती पार्क, जिसे हम जैपनीज पार्क कहते हैं, और मैं अभी जस्ट उसके आगे खड़ा हूं और आपको अंदर लेके जाऊंगा और आप दिखाऊंगा कि कैसा है मॉल, कैसा ये जैपनीज पार्क है और अंदर से कैसा है और किसके लिए है। अंदर जाने से पहले कुछ इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे पार्किंग वगैरह है। अगर बाइक से कार से आते हो तो अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर सेफ्टी अपने हाथ में, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पार्क कर देना। और ज़्यादातर ये कपल, ये जो पार्क है कपल्स के लिए है, और ये पार्क जो सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 11 बजे तक बंद हो जाता है ये पार्क। और अगर आप 10 बजे के बाद आते हो या 11 बजे के बाद आते हो तो आप पेरेंट्स के साथ हो तो अंदर मत जाना। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद ये पूरा पार्क जितनी हरियाली इसकी है उतनी हरियाली कपल से हो जाती है। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको स्लो आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत जा रही है, इसलिए तो आप इसके लिए थोड़ा इसके लिए सॉरी। और मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। मैं सुबह घर से निकला था 11 बजे और यहाँ अभी 1-2 बजे तक पहुँच गया हूँ। मैं शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है, और आपको लेकर अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना। तो उसमें गया था पैसिफिक मॉल और देख मैंने उसको एक्सप्लोर किया था, तो वह जाके देखना और बताना कैसा है। और चलिए चलते हैं जैपनीज पार्क में, कपल्स ढूंढते हैं कहाँ होता है इसमें कुछ काम 25 वाला झूल। चलिए चलते हैं, ये जस्ट मेरे पीछे ही खड़ा है, देखो। अगर आप भी आना चाहें तो आ सकते हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ आ जाना, आपका टाइम पास सही जाएगा और आप इन्जॉयमेंट सही कर पाओगे। और यहाँ पर ज़्यादातर कपल्स कपल्स ही आ रखे हैं जिनको देखने को बहुत लोग आते हैं। मैं तो यहाँ पर खैर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और आपको दिखाने के लिए आया हूँ, थोड़ा घूमने के लिए। और यहाँ आना थोड़ा ईजी भी है, और यहाँ पर अपने पास जो अपना जिस रास्ते से आए उस रास्ते को याद रखना, नहीं तो यहाँ थोड़ा भूल भुलैया जैसे अभी है, कहीं आप खो जाओगे तो फिर आप पूछ पूछ के जा भी सकते हो, फिर भी अपना ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ, ये सजेशन है मेरी तरफ से एक, और इसे देखने में काफ़ी बड़ा है, देख लो मेरे पीछे काफ़ी बड़ा है, कपल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो कपल्स ढूंढता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ऐसे मुझे समझना मत कि मैं ये सब करने आया, मैं आपको दिखाने आया हूँ, ठीक है? तो वो मैं समझना मेरे को, और बस मैं आपको वीडियो को एंजॉयमेंट देने के लिए ये बना रहा हूँ। तो आप बस वीडियो को एंजॉय करो, और अच्छी लगे तो लाइक करो और सपोर्ट करो यार, भाई को सपोर्ट करो, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ना, तो सपोर्ट करो भाई, अभी नया नया चैनल तो सपोर्ट करो आप। यहाँ पे बहुत सारे बतख हैं जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा है, इनकी सेवा पानी सही होती है। और यहाँ पर आज कपल ज़्यादा नहीं आ रखे, फिर भी ये इनको देख के मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अगर आप अकेले भी आते हो ना मेरी तरह तो फिर भी आपका टाइम पास हो जाएगा, घंटों घंटों बैठ के इनको देख के भी। आप इनको कुछ भी खिला सकते हो, दाना पानी कुछ भी हो आपके पास, वो कुछ भी खिला सकते हो। अभी पार्क वैसे काफ़ी बड़ा है वैसे, तो आपको कोई उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बोलेगा कुछ नहीं, अपना उठना बैठना आराम से और अपना घर मजे लेकर आराम से घर जाना,
इसमें बहुत कुछ है, आगे दिखाता हूँ आपको फिर। अभी तक का अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस पार्क में घूमने का, तो अभी तक मुझे घूम के ये लगा, मैंने देखा कि ये इसमें पार्क में हरियाली बहुत है, चारों तरफ हरियाली बहुत है, और इसमें जो मेंटेनेंस का है काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस हो रखी है इस पार्क में, और इसका व्यू पॉइंट भी अमेजिंग अमेजिंग काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है। और मैं आपको एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगा आने के लिए, एक बार आप भी ज़रूर आना अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो चिप्स कुरकुरे बेचते हैं उनसे आप ले लिया करो, क्योंकि यार वो भी पूरा दिन मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप उनसे ले लिया करो। काफ़ी घूमने के बाद और इस पार्क का चक्कर लगाने के बाद, बहुत बड़े पार्क का, अब जाके मुझे ये मिल गया है फाइटर प्लेन, इसे मैं उड़ा के सीधा आपके घर आऊँगा, चैनल सब्सक्राइब करके फिर इसी प्लेन से अपने घर चला जाऊँगा। तो ये जो प्लेन है इसके लिए मैं काफ़ी घूमा इस पार्क में आपको दिखाने के लिए, और आखिरकार ये बुढ़ा प्लेन मिल गया जो काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। ये इस पार्क का दूसरा हाईलाइट है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और उसे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप इस जैपनीज पार्क में आ रहे हो और आप सुबह शाम अगर यहाँ पास में कोई रहते हो, सुबह शाम आके आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर ओपन जिम जो है वो भी है यहाँ पर, तो काफ़ी जो आसपास रहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे एक बात और, अगर आप आ रहे हो तो अपना मास्क उस लगा कर रखना, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का चालान भी कट गया है 500 का 1000 का। तो मेंटेनेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, और वहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बतख बहुत सारे खेल रहे हैं, आप भी उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे दो तीन चीज़ों को छोड़ दी जाए तो काफ़ी अच्छा है पार्क है, और फैमिली के साथ आते तो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा बहुत अंदर मत जाना आपको, और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा आने के लिए। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी इस पार्क को देख के देखने आएंगे यहाँ पर इस वीडियो को देख के। तो यहीं तक थी स्टोरी, और वीडियो को सब लाइक कर देना यार, क्योंकि यार देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, ये सब चीज़ें अपने करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले अगले व्लॉग में। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। तो तब तक के लिए बाय, सेफ रहना और खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।